मुंबई के एनसीबी जोनल अधिकारी समीर वानखेड़े का तबादला, नहीं मिला एक्सटेंशन। समीर वानखेड़े को डीआरआई विभाग में फिर से मिली जिम्मेदारी। एक बार फिर से उन्हें राजस्व खुफिया निदेशालय विभाग में भेज दिया गया है। समीर वानखेड़े इसी विभाग में थे। डीआरआई विभाग से ही उन्हें मुंबई एनसीबी में लाकर जोनल डायरेक्टर बनाया गया था। अब उन्हें फिर से डीआरआई में भेज दिया गया है। एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े को बड़ा झटका लगा है। दरअसल विभाग में बने रहने के लिए उन्हें आगे एक्सटेंशन नहीं मिला है, यानी कि अब एनसीबी से उनकी विदाई हो गई है। वानखेड़े का एनसीबी में 4 महीने का एक्सटेंशन 31 दिसंबर 2021 को पूरा हो चुका है। बताते चलें कि समीर वानखेड़े आईआरएस अधिकारी हैं, जो मुंबई के ड्रग्स केसों की जांच के चलते चर्चा में आए थे। इससे भी अधिक सुर्खियों में वो तब आए थे जब उन्होंने बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को गिरफ्तार किया था। इससे पहले कयास लगाया जा रहा था कि केंद्र सरकार उन्हें फिर से एक्सटेंशन दे सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हो सका।